हम हुनका लेल अपन जिंदगी लुटा देलौं, हम हुनका लेल अपन जिंदगी लुटा देलौं, ओ अपन दिल से हमर याद मिटा दिली, आज तक हम हुनका से पूछ नहीं सकलौं, आज तक हम हुनका से पूछ नहीं सकलौं, जे ओ हमरा कुन बात के सजा दिली, कुन बात के सजा दिली। नमस्कार श्रोता लोकनि, रेडियो मिथिला 1.8 मेगाहर्ट्ज अपन रेडियो ट्यून के निहार सम्पूर्ण श्रोता लोकनि में कार्यक्रम मैजिक म्यूजिक आत्मकथा संग उपस्थित भ चुकल छी। हम अही सब गीत संगीतक सांगीतिक सहयात्री जुगल किशोर तहिना प्राविधिक रूप में संग दऽ रहल छथि प्राविधिक मित्र संजय झाजी, जे कार्यक्रम में अही सबक जिंदगी के साथ घटल आत्मकथा समावेश करे छी। अहाँ सबके पते अछि मित्र, जे कार्यक्रम पूर्ण रूपेण अही सब प्रति समर्पित अछि। जे कार्यक्रम में एकटा कोनो भी इंसान छोट होए या नमहर, गरीब होए या अमीर, कोनो भी श्रोता मित्र के जिंदगी संग घटल आत्मकथा के समान रूप से एक कार्यक्रम में समावेश करे छी। चाहे हो राजा हो या रंग, सबके दिल में रह वाला एकमात्र कार्यक्रम जे अही सबक जिंदगी संग घटल सत्य तथ्य आत्मकथा जहिना तहिना एक कार्यक्रम में समावेश करे छी। तलिए मित्र, एहन सन अही सबक जिंदगी संग जुड़ल ओ अतीत की आत्मकथा आयु कार्यक्रम में ला उपस्थित छी, जे आज कार्यक्रम के लेल समावेश केने छी राम रतन शाह जी के आत्मकथा, जे लिख पठौने छथि राज विराज से मेल में अपन आत्मकथा लिखने छथि। तलिया राज विराज तीन में है कही का, किया ता हमरो पापा गांव घर के एकटा समाज सेवी छलखिन, अर्थात ओ ग्रामीण परिवेश के रूप में जी रहल ओ जिंदगी जे हर वक्त सब केओ के एकटा भलाई के लेल मात्र सोचे छलखिन, तेहतु हुनकर इहे अपेक्षा छल जे हमरो बेटा हमरे जका निक बने कही का। आखिर एहन सन सबके इच्छा आकांक्षा रहते, समय के गति अपने प्रवाह में बीत रहल छल। हम जखन SLC पास कलौं तखन हमर इच्छा रहे जे कम से कम हम जनकपुर में रही का पढ़तव कह का, तेहतु अपन मम्मी पापा के ई बात सुनेलौं आ ओ सब शहर से स्वीकार कलखिन, कियाक ने जब अहाँ के इच्छा आकांक्षा अछि तो जाओ जनकपुर में रही का पढ़ू कह का। हम जनकपुर एलौं पापा के संग डेरा खोजलौं आ डेरा मिलल सब सामान सब घर से अनलौं आ जनकपुरे के एकटा शारदा इंस्टीट्यूट में हम CMA पढ़ा लगलौं। अहिरा से हमर अध्ययन शुरुआत भ गेल, CMA के पढ़ाई हमर चला लागल, हम निरंतर रूप से अपन पढ़ाई में व्यस्त भ गेलौं। अहिरा से हमर CA के लास्ट समय आबि चुकल छल, अर्थात हम पास भ गेला कारण पॉजिटिव करबाक लेल हमरा सबके जनकपुरक अंचल अस्पताल में पॉजिटिव करबाक लेल राखल गेल आ किछ समय हमरा सबके पॉजिटिव करबाक छल, तेहतु प्रैक्टिकल के लेल हम जनकपुर अंचल अस्पताल में पॉजिटिव के रूप में काज करे लगलौं। आ वही समय के घटना अछि जे हम की कहू, हमर जिंदगीक एहन पल जे कहियो अपेक्षा नहीं केने छलौं। ई बात 2064 साल माघ महीना के अछि, हम अंचल अस्पताल में अपन ड्यूटी कर रहल छलौं। वही समय के बात अछि, एकटा फैमिली के मेंबर अर्थात मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में एकटा लगभग 14-15 वर्ष के लड़का के एक्सीडेंट भेला कारण हुनकर पापा मम्मी आ दीदी सब आयल छलखिन हॉस्पिटल में, हुनका इमरजेंसी में बाहर नहा खेल गेल आ हुनकर खून बहुत बहला कारण हुनका खून के आवश्यकता छल, मुदा दुर्भाग्यवश वही समय हुनकर ओ पॉजिटिव ग्रुप के खून रेड क्रॉस में नहीं भेला कारण बहुत नाजुक अवस्था होत जा रहल छल। वही समय हमरा की मन में आयल, हमरो ओ पॉजिटिव खून भेला कारण हम तुरंत खून देबाक निर्णय केलौं, किया तऽ हुनकर मम्मी पापा के ओ दुख ओ वेदना हमरा से सहा नहीं गेल, तेहतु हमरो ओ पॉजिटिव खून भेला कारण हम हुनका तखने खून देबाक निर्णय केलौं आ वही अनुसार चेकअप करा कऽ एक पोका खून निकाल कऽ हुनका
लेल समर्पण कर दलौ। एहि रासा तीन दिन के बाद हुनका पूर्ण रूपेण नीक भ गेल। हुनका सबके डिस्चार्ज के समय सेहो भ गेल। आज आई समय ओ सब हमरा भेटलखिन आ कहलखिन, बेटा अहाँ ही हमरा सब प्रति बहुत बड़का उपकार कर दलौ। पता नहीं हम सब इस जन्म में अहाँ के ही उपकार के बदला चुका सकब या नहीं। तखन हम कहलौ, नहीं हम किछु नहीं केलौ, बस हम अपन नैतिकता मानवता के फर्ज मात्र निभेलौ। वे समय बहुत निक से हुनका सबसे परिचय भेल आ हुनकर संग आयल, अर्थात जिनका एक्सीडेंट भेल छल हुनकर दीदी जिनकर नाम निशा अछि, ओ हमर नंबर आ हुनकर पापा के नंबर सेहो देलखिन आ अहिरा से परिचय भेलाक बाद ओ सब डिस्चार्ज भ कऽ चलि गेलखिन। हमरो बहुत खुशी लागि रहल छल जे सच में हमहू जिंदगी में पहिल बेर किनको उपकार केलौं। अहिरा से जखन ओ सब चलि गेलखिन तखन ठीक 5 दिन के बाद हुनकर पापा फोन केलखिन आ हमरा से अहिना बातचीत के क्रम आगा बढ़ लागल। होत होत कहियो काल निशा सेहो मिस कॉल कर दे छली आ हम फोन करे छलौं। होत होत हमरा आ निशा के बीच फोने से बात सब होवे लागल। होत होत हम सब एक दूजे के संग भेंट घाट सेहो करे लगलौं। अनायास हमरा सबके भेंट घाट लगभग दैनिक जका होवे लागल। सक भर हम सब विशेषतः भेंट घाट करे छलौं, बातचीत करे छलौं। पता नहीं चलल हमरा सबक ई भेंट घाट एकटा प्रेम में परिणत भ गेल। आखिर हरेक पल हुनकर प्यार हुनकर खुशी हुनकर अलग संसार में हम अपने आप के सपना के संसार में जीव लगलौं। अहिरा से हमरा सबक बहुत नीक संबंध बन गेल, अर्थात ओ संबंध जे एक दूजे के घर परिवार के रिश्ता जुड़वाक तक सेहो पहुँच गेल। अपेक्षा तो नहीं छल मुदा ओहो एकटा नीक फैमिली से जुड़ल भेला कारण आ हमरा सबके सेम कास्ट सब किछ मिलबाक कारण हमरा पूर्ण रूपेण विश्वास छल जे हम कदम उठा रहल छी ओ नीक अछि सही अछि कह कऽ। लगभग ई बात हम अपन मम्मी के बता देने छलौं, पापा के तऽ नहीं बता सकलौं किएक तऽ हुनका सामू कहबाक एहन बात रखबाक हमर हिम्मतो नहीं छल। मम्मी कहलखिन, ठीक अछि जाऊ अहाँ सबके तेहन इच्छा अछि तखन समय आओ तब जे अछि ओ कदम उठायब कहकर। लगभग हमरा सबक ई संबंध शायद हुनकर घर परिवार के सेहो पता चल चुकल छल। जे किछु रहे हम सब चाहे छलौं हुनकर परिवार संग एकटा नया संबंध स्थापित करी कहकर आ एकटा नया जिंदगी शुरुआत करी कहकर। आ आब हम सब जीवित एक दोसर के लेल, किएक तऽ कहल जाय तेने अपना लेल तऽ सब जीवित अछि मुदा किनको और के लेल जीव कऽ देखियो तखन जिंदगीक असलियत अहाँ के पता चलत। ओहि समय हम सब भेर बेर एकटा बात कहे छलौं, आप जीव तऽ सिर्फ हमरा लेल, जीव तऽ सिर्फ हमरा लेल। क्रमशः निशा संग हम प्रेमक बंधन में बन्हा गेलौं। आखिर की सोचने छलौं की भ गेल, जे किछु रहे हमर पॉजिटिव सेहो समाप्त भ गेल, हम सीएम सेहो पास कऽ लेलौं। आगा अपन जिंदगी के बारे में सोच लगलौं। हम घर परिवार के एक मात्र बेटा भेला कारण कहियो काल मम्मी कहे छलखिन जे बेटा शादी क लिए कह कऽ किएक तऽ हमरा सबके जिंदगी कतेक अछि, मुदा हम कहे छलौं नहीं मम्मी कनी दिन और रुकू कह कऽ। अहिना हम मम्मी पापा के एहने एहने बात में उलझन में उलझा कर रखने छलौं किएक तऽ हमर एकटा सपना छल निशा संग शादी करबाक लेल आ हुनका अपना बनेबाक लेल। जतेक हुनका कहे छलौं तखन ओ एकटा बात कहे छली, किछु दिन तऽ रुकू, कतेक अहाँ हतार कऽ रहल छी, बस समय आबऽ दियौ सब किछु भऽ जायत कहि कऽ। हाँ निशा के प्रतीक्षा में हम दिन राति बिताबऽ लगलौं आ हुनके आस संजोग में अपन जिंदगी गुजारा लगलौं। कहियो काल होइत छल जे आखिर ई हमर दीवानापन के किएक ने महसूस करैत अछि निशा, किएक अतेक दिन तक हमरा रुका कऽ रखने अछि, किएक इंतजार करबैत अछि हमरा, किएक ने हमर ओ बात बुझैत अछि। कहियो काल अहिना मन में होइत छल आ अहिना दिल में हलचल होइत छल। हुनकर मन में की चाह छल से बात हम बुझि नहीं सकलौं, मुदा हकीकत वह भेल जे हमर भित्री दिल से चाहे छल, अर्थात लगभग 2 साल के बाद
ओ हमरा सा संपर्क विहीन होब लगलखिन, अर्थात हमरा सा दूर रहबाक दूर जेबाक प्रयास करे लगलखिन। आखिर कहियो का लगे छल जे किएक दुनिया में इंसान सब एहन बन जाते, हमरा विश्वास नहीं छल, फिर भी हम चाहे छलौ निशा सा सब बात पूछी, आखिर ओ की चाहते कहकर, मुदा जतेक जतेक हम हुनकर पहुँच जाए छलौ ओ हमरा सा दूर जा लगे छली, हुनका से हम पूछे छलौ निशा आ के वादे ओ कसमे की भेल, आ किया केना कर रहल छी, प्लीज कहू ना हमर कोनो कसूर अछि, या हम कोनो गलती केलौ हाँ, या फिर आ के लेल हमरा की करब पड़त, मुदा एना नहीं करू निशा, एना नहीं करू। ओ किस नहीं बजे छली, बस अहिना अछि, हाँ भेटब मुदा नहीं अबे छली, हाँ बात करब मुदा बात नहीं करे छली, एहने एहने उलझन में उलझा के ओ हमरा राख लगली, आ होत होत ओ हमर जिंदगी से दूर होबाक निर्णय सेहो कलेली, अनायास ओ अपन संपर्क नंबर सब सेहो परिवर्तन कलेलखिन, आ हमर जिंदगी से दूर जेबाक निर्णय स्वरूप ओ किनको और के संग अपन नाम जोड़ लगलखिन, किनको और के जिंदगी बनबाक निर्णय कलेलखिन, आ हुनकर घर परिवार के दोष एस या निशा के दोष एस से बात हम नहीं बुझ सकलौ, आ देखित दिन में हमर नजर के सामने ओ किनको और के बन गेली, आ हमर जिंदगी हमर प्यार हमर खुशी के संसार चकना चूर कर देली, हमें लगे छल जे हम कहीं सपना त नहीं देख रहल छी, मुदा नहीं हकीकत वह बात एस, हकीकत वह छल जे हम सोचे छलौ, आज हम अपेक्षा त नहीं केने छलौ, मुदा वह भेल हमर जिंदगी के संग, अहिरा से निशा हमर जिंदगी से सदा सदा के लेल दूर भ गेली, अंत में हमर आठ साहस जिंदगी हर तमन्ना सब टूट के बिखर गेल, चाह नहीं होई छल जे हम आब बाकी जिंदगी जीव के का, हाँ अखन लाखों श्रोता सभी कार्यक्रम सुन रहल छी, अही सब हमरा बताओ आखिर हम कौन गुनाह केलौं कौन कसूर केलौं, बस हम एकटा मानव के हैसियत से जे सहयोग केलौं ओही के बदला में ओ हमर जिंदगी में एली, आ अहिरा से जिंदगी तहस नहस करबाक निर्णय केली, आखिर किया अहिरा से हमर प्यार हमर जिंदगी लेल ओ एहन घटना घटौली, एहन बर्बादी जिंदगी के लिए जे हम बुझ नहीं सकलौ, केहन दुनिया होत अछि, वाह ई दुनिया के बहुत बहुत धन्य अछि जे एक दोसर के लेल प्यार के खेल बाढ़ समझ लेने अछि, धोखेबाज समझत अछि आ बेवफा भ जात अछि, आइयो अकेलापन तनहा जिंदगी गुजर रहल छी, बस हुनकर याद में हुनकर खुशी के संसार में जीवाक आस में, मुदा आब ओ ने एस हुनकर प्यार ने एस हुनकर खुशी के संसार ने एस हमरा आस एस कतौ न कतौ केहू त एस जे कहीं हमर प्रतीक्षा करल एस, सैब ओ हमर नसीब में नहीं छल तैं तो ओ नहीं मिलल, मुदा केहू एस जे जरूर मिलत कहकर, आय अतेको बसंत पार कर लेलौ फिर भी तनहा जिंदगी जी रहल छी, एकटा बेवफा के याद में जिंदगी जी रहल छी, बेवफा के याद में जिंदगी जी रहल छी। प्रिय मित्र यह गीत संगे संग आज कार्यक्रम मैजिक म्यूजिक आत्मकथा से विदा लेबाक समय से बच चुकल अछि, जो अहिरा सह कार्यक्रम में अहूँ सब सहभागी बन चाहे छी तखन पत्रचार कर सके छी पीओ बॉक्स नंबर 16 भानसोग जनक विधान के पता पर, मेल भेज सके छी jkmithila@gmail.com में, आ अहि कार्यक्रम के पुनः प्रसारण अगला बृहस्पति के रात 10 बजे की मिथिला समाचार के बाद सेहो सुन सके छी, से कहित दोसर कार्यक्रम धरिक लेल आज्ञा चाहब प्राविधिक मित्र संजय झाजी के संग हम अहि सब गीत संगीत